इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के दो साल बाकी हैं, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान में इस साल के अंत में या 2022 की शुरुआत में इलेक्शन हो जाए। तालिबान ने पाकिस्तान को ऐसा फंसा दिया है कि इमरान भी अपने दिन गिन रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने अगला कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है और इस कैंडिडेट ने इमरान खान को चैलेंज भी कर दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए जनरल बाजवा का नया वजीर आजम कौन है। हम आपके पास आ चुके हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। खान ने आपका वोट पेटा का मारा है, इमरान ने आपका पेट पेटा का मारा है, सिलेक्टेड ने आपका जेब पेटा का मारा है। तालिबान की रट लगाने वाले इमरान खान अपने ही घर में घिर चुके हैं। उन्हें वजीरे आजम बने सिर्फ 3 साल बीते हैं, पर लेटेस्ट खबरों का एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में इलेक्शन कमिंग सून है और पाकिस्तानी फौज ने ब्रांड न्यू वजीरे आजम भी चुन लिया है। अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप अपना तैयारी पकड़े, आप अपना जिदोजहद तेज करो, आने वाले हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। कई अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हो चुके हैं और उनकी एस्टेब्लिशमेंट से फ्लर्टिंग चल रही है। अर्ली इलेक्शन की आखिरकार क्या जरूरत क्या है? मैं काफी अरसे से देख रहा हूं कि इमरान खान साहब बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं आजकल। सिर्फ 3 साल में ही पाकिस्तान का फेवरेट नारा इमरान खान मुर्दाबाद बन गया है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पब्लिक का मूड वजीरे आजम को पता है। पीएम इमरान ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान की हुकूमतें जो काम 5वें साल में करती हैं, वो इमरान ने 3रे साल में ही स्टार्ट कर दिया। यानी आजकल पाकिस्तान में जितना काम नहीं होता उससे ज्यादा उद्घाटन और प्रचार हो रहा है। इमरान के मंत्री उद्घाटन के लिए कितने बेकरार हैं कि कैंची के बदले दांतों से ही फीता काट रहे हैं और कैंपेन चलाकर इमरान खान को नया पाकिस्तान का मसीहा बनाने की कोशिश है। इमरान खान जो है ना, अब वो एज अ ग्रेट पॉलिटिशियन छोड़े, इज नाउ अपना एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज ए डूअर कि मैं भी ये कर रहा हूं, मैं भी ये कर रहा हूं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और ये फीते काटने वाला जो खाता है ये यही होता है। चौहान साहब ने तो दांत के साथ फीता अभी मैंने सुना काटा है, कैंची नहीं चल रही थी, मगर इमरान खान साहब जो है वो उनके लिए पीछे बैकअप कैंची भी होती होगी आई एम श्योर। जब से हुकूमत में है इसके सारे यू टर्न है, इससे होना कुछ नहीं है। सबको पता डोरे कहाँ से इसके हिल रही है। आप उसका ना उनका नाम लें जो इसे लेके आए, जो इस असल कसूरवार है तो कठपुतली है जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। चंद बंदे हैं जो फैसला कुन कुवत है, उनका नाम लिया करें। आप नौजवान है, इन आइंदा सालों में को लगता है कि आपको किस तरह का नहीं होना। जब तक अदारों का अमल दखल होगा ना सिस्टम में तो सिस्टम तबाह होता रहेगा। इमरान के नया पाकिस्तान की यही हकीकत है। ये तालिबान को गोली बारूद और आतंकी देता है, तालिबान की तारीफ करके अपना कट्टरपंथी वोट बैंक बढ़ाता है और मुल्क के 22 करोड़ लोगों को वजीरे आजम ने डेवलपमेंट के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। इमरान खान के लिए सरकार का मतलब क्या है पहले इसे समझिए, फिर आप नियाजी के लिए पाकिस्तानियों की नफरत समझ जाएंगे। गवर्नमेंट अपने आप का ही फायदा पहले देखती है फिर अवाम का फायदा देखती है, हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या जरूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की जरूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की जरूरत पूरी कर रही है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप पहले दिन से यही कुछ कर रहे हैं। मैं 5 लाख मरतबा कह चुका हूं, ऑन एयर कह चुका हूं, नेशनल मीडिया पे बैठ करके कह चुका हूं, आरफी नामा में कह चुका हूं, मुख्तलिफ जगहों पर अपने बीपर्स में कह चुका हूं, कराची में 100 अफराद का तैयारा गिर गया, इमरान खान को कोई फिक्र नहीं, वो अपनी अहलिया को लेकर के नथिया गली चले जाते हैं। शिया बरादरी का कताल होता है, इमरान खान को कोई फिक्र नहीं, शिया बरादरी बुलाती है, इमरान खान मना कर देते हैं कि इमरान खान ने जिद लगाई हुई थी कि ये मेरा काम नहीं है जाकर के दिलासा देना, जिसका काम है वो जाए, और जिसका काम आप किसको कह रहे थे आपको भी पता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की हालत देखकर पूरा मुल्क परेशान है। साल 2018 में इमरान खान पीएम बने तो 3 सालों बाद ही अब उन्हें मुल्क बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इमरान खान पाकिस्तान के 22वें पीएम है, अगर वो अपना 5 सालों का टर्म पूरा कर ले तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा। इससे पहले सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना टर्म पूरा किया था, उसके बाद से पाकिस्तान का कोई भी पीएम ऐसा कारनामा नहीं कर पाया।
पाकिस्तानी फौज का सहारा कमजोर होते ही इमरान सरकार डगमगा रही है, ये मैसेज ऑपोजिशन तक पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो खुद ही सिलेक्टेड पीएम बनने के लिए बेकरार हैं, इसलिए उन्होंने विपक्ष का मोर्चा भी कमजोर कर दिया। ये सिलेक्टिंग किस किस्म का आजाब लेकर आया है? तारीखी सतह पे महंगाई है तो तारीखी सतह पे बेरोजगारी है। मेरे पंजाब के जियालों के लिए पैगाम है कि जाग मेरे जियालो जाग, पाकिस्तान जल रहा है। अगर कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो। वो अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अर्ली इलेक्शन की आखिरकार क्या जरूरत क्या है? मैं काफी अरसे से देख रहा हूं कि इमरान खान साहब बड़ी फुर्ती दिखा रहे हैं आजकल। फ्रंट पेज पे जैसे रहील शरीफ साहब आते थे, आजकल इमरान खान साहब आ रहे हैं। और जहां कोई भी फीता काटना हो, ना भी काटना हो, तो पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसे लगता है कि कुछ चीजें तो अभी हवा में ही है, तो फीते काटने शुरू हो गए हैं। इमरान खान अपने हवा हवाई प्रोजेक्ट्स के फीते काट रहे हैं, जबकि बिलावल फुल कॉन्फिडेंस में है। भुट्टो खानदान के यंगेस्ट लीडर के जोश की वजह समझिए। पाकिस्तानी आर्मी इस बार नया पीएम सेलेक्ट करना चाहती है। पाकिस्तानी आर्मी के सामने तीन चेहरे हैं। वजीरे आजम इमरान खान परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए उनका आउट होना तय बताया जा रहा है। फौज को टारगेट करके नवाज शरीफ की दावेदारी पहले ही खत्म हो चुकी है। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का नंबर है। पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए पहला क्राइटेरिया है फौज से अच्छे रिलेशन। बिलावल इस रेस में आगे हैं। पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुद बिलावल भुट्टो को फोन करके इनवाइट किया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि बाजवा और बिलावल के बीच 1-to-1 मुलाकात भी हो चुकी है। वो नया चेहरा है, इसलिए अगले कुछ सालों तक फौज पर भी चेहरा बदलने का प्रेशर नहीं होगा। He's a very intelligent man, no doubt. And वो बहुत ही जल्दी very quick learner है, but he's still learning a lot from his father, Zardari साहब। अब क्या वाकई वो एस्टेब्लिशमेंट की अगली चॉइस बन गए? वो यार देखिए, जब इस पे काफी गुफ्तगू चल रही है, अब डेफिनेटली एक एस्टेब्लिशमेंट का है कि पीपल्स पार्टी इज अ लेसर डेविल देन पीएमएलएन, बट उसकी डिटेल्स हमें एक्सपर्ट से ज्यादा नहीं मिलती, बिकॉज वो अभी भी फिक्सेटेड हैं कि नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और मरियम और ये उस पे फिक्सेटेड। आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? असल में इमरान ने नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया था और इसके लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए। आज इमरान के सबसे शानदार प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम नियाजी से छुटकारा क्यों चाहती है। जबकि मुल्क की मईशत में इजाफे के लिए मुर्गी पाल स्कीम का मनसूबा कारआमद साबित नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम पर कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार और मुर्गियां लेने वालों ने अंडे मार्केट में बेचने की बजाय घर में खाए। मुर्गी पाल स्कीम के तहत कुछ लोगों की मुर्गियों ने तो अंडे दिए भी नहीं है। रिपोर्ट सामने आ गई है। हुकूमत से सस्ती जो इस वक्त मुर्गियां लेने वालों में 3% लोगों की मुर्गियां भी मर गई हैं। हमने देसी मुर्गियों की हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हमारे पास ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये भी पायलट हो चुका है। अब हमने उनको अगर हम टीके लगा के उनकी मदद कर दें तो वो उनकी प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा, उनके पास मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। इमरान का मुर्गी पालने वाला बिलियन डॉलर का आइडिया फेल हो गया। इमरान तो मुर्गियां बेचकर ही दुनिया का टॉप देश बनने का सपना देख रहे थे। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। असल में इमरान का नया पाकिस्तान भी एक ऐसा ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं होगा। मुल्क के इन दिक्कतों के लिए इमरान खान सबसे बड़े कसूरवार हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा क्राइसिस मिनिस्टर बन चुके हैं। जब आप एक इस्लाहत की बात करते हैं तो वो एक कहते जी किधर है नया पाकिस्तान, जिस तरह बटन दबाओ तो नया पाकिस्तान आ गया। ये एक जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है, एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। मुल्क ने तो आगे तब बढ़ना है जब सबसे पहले हम अपनी नौजवान आबादी को रोजगार दें। कहते हैं नया पाकिस्तान बटन दबाने से नहीं, निजाम और माइंडसेट की तब्दीली से आएगा, और इस काम के लिए 450 साल चाहिए मेरे पाकिस्तान।
जानी हो तो लाजिम है तुम पर कि पप्पा जानी की इस सियासी औलाद को 450 साल तक अपने ऊपर बर्दाश्त करते रहो, इसके पंजे तुम्हारी रगों में पैवस्त हो जाए, ये तुम्हारे लहू का आखिरी कतरा तक चाट जाए तब्दीली के नाम पर, ये तुम्हारे बैंक अकाउंट्स को नोच ले खा ले तुम्हें भीख का कटोरा दे करके और वो किसी और सैयारे पर भेज दे, लेकिन पाकिस्तानियों तुम पर लाजिम है कि इमरान खान नामी इस वैम्पायर इस ड्रैकुला इस बला से अपनी ऐसी तैसी करवाओ। सिर्फ इमरान ही नहीं, महंगाई भी लोगों का खून जला रही है। इमरान की कुर्सी पर इस संकट की एक वजह तालिबान है। पाकिस्तान में लगातार विदेशी निवेश कम हुआ है, इसका जिम्मेदार अफगानिस्तान की सिचुएशन है। पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले इन्वेस्टमेंट में 39% की कमी है। ये खबर ऐसी है मानो कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला हो गया हो। तालिबान की वजह से ही पाकिस्तान की इकॉनमी सिकुड़ गई, पाकिस्तान और भी ज्यादा कंगाल हो गया। दुनिया में पहली बार एक आतंकी संगठन के लिए किसी देश ने अपने लोगों को ही कुर्बान कर दिया। इमरान सरकार तालिबान को हथियार तो दे सकती है लेकिन खाने का एक दाना नहीं दे सकती। अब तो पाकिस्तान को अपनी थाली पर भी संकट दिख रहा है। और मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आवाम दो वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए। आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफे से 5 किलो आटे के थैले की असखुद कीमत 380 रुपए कर दी गई है। जी सर, हमारे मुल्क में एक आटा ही है जो हम लोग खाते हैं, अगर आटा ही महंगा हो गया तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। जाहिर है ये बुनियादी चीज़ है, हर आदमी की जरूरत है, अगर ये महंगा हो गया तो फिर गरीब का चूल्हा कैसे चलेगा, भूखे मरने और की करना। गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि अपने बच्चों के समेत बड़ी नहर में छलांग लगाएंगे, बाहर कारोबार तो है कोई नहीं। पूछते हैं आटे के रेट में कितना इजाफा हुआ है गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर। आटा सर 27 रुपए फी थैला आटे का रेट बढ़ गया है, अवाम की बुनियादी जरूरत है आटा, अब गरीब आटा खाएं कहाँ से खाएं, हर चीज उसके अलावा जो दालें हैं घी है चीनी इसकी कीमतें अलग से बढ़ गई है 10-10-20 रुपए किलो। पाकिस्तान को अब दाल चावल का भाव पता चलेगा। इस संकट से पाकिस्तान की इकॉनमी को निकालने के लिए इमरान को अमेरिका की मदद चाहिए, लेकिन सुपर पावर को एब्सोल्युटली नॉट कहकर इमरान ने मानो मुसीबत को न्योता दे दिया है। पाकिस्तान का फ्यूचर प्लान देखकर आप खुद वहां की कटोरा पॉलिटिक्स की हकीकत समझ जाएंगे। 11 से 17 सितंबर के बीच आईएमएफ की एक मीटिंग में पाकिस्तान को छोर कर्ज लेने की कोशिश करेगा। 13 अक्टूबर को पाकिस्तान $1 बिलियन के बॉन्ड जारी करेगा ताकि उसे पुराने कर्ज लौटाने में दिक्कत ना हो। 17 से 22 अक्टूबर तक एफएटीएफ की मीटिंग होगी, इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने पर फैसला होगा और अक्टूबर में पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन को अपॉइंट किए जाने के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें या तो संसद बनना होगा या फिर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आसान लफ्जों में कहें तो पाकिस्तान की कमाई सिर्फ 10 पैसे है लेकिन हर महीने 90 पैसे कर्ज लेकर वो अपना मुल्क चला रहा है। लोगों को ऊपर उठाना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वजीर आजम की इस दौरे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लोग तो काफी सारे ऊपर पहुंच गए, यानी ऊपर उड़ गए, आपके ख्याल में अब और कितना ऊपर उठाना बाकी रह गया है? चीनी घी आटा समेत 17 अशिया खुर्दनोश महंगी हो चुकी है लेकिन गरीब पर इस मरतबा भी सुना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह कहा था कि कब्र में सुकून मिलता है तो करीब सारे कब्र में पहुंचते चले जा रहे हैं, माफियाज जो है वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है। कभी पेट्रोल की कभी बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद भी हुकूमत इस जोम में मुब्तला है कि गोया अवाम पाकिस्तान का भला ही फरमा रहे हैं। हर वो हंटर, हर वो कोड़ा, हर वो चाकू जो आप अवाम के सीने में घुसा रहे हैं, हर वो वार जो अवाम को आप अवाम पर कर रहे हैं, अगर उसका नतीजा यही कह करके दे दिया जाए कि ये नवाज शरीफ की वजह से है और ये आसिफ अली जरदारी की वजह से, और उसके बाद फिर कहा जाए कि 3 सालों तक हमें मुश्किलात रहीं लेकिन अब दौर खुशगवार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो काम 3 साल में नहीं हुआ वो काम मेरा ख्याल है अगले 2 साल में हो पाएगा, ये खुद एक सवाल है। पाकिस्तान में गरीब को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, वहां वजीर आजम को अगला चांस मिलना करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने एक और थ्योरी दी है जिसके मुताबिक इमरान खुद ही जल्दी इलेक्शन कराने के पक्ष में है और इस इलेक्शन को जीतने के लिए बाकायदा प्लान भी तैयार है। खराब परफॉर्मेंस के बाद फ्री और फेयर इलेक्शन जीतना इमरान के लिए मिशन इम्पॉसिबल जैसा होगा। बिना वोट मिले इलेक्शन मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से चुनाव कराने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान का विपक्ष चुनाव में इसके खिलाफ है लेकिन इमरान सरकार फुल स्पीड से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। अब मशीनों से चुनाव कराने की जल्दबाजी इमरान पर जनता का शक बढ़ा रही है।
हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन से बातचीत की, हमने उन्हें दावत दी कि आइए बात करें, ईवीएम के ऊपर हमने उनसे कहा कि आइए बात करिए, अपनी कमेटी में नाम दीजिए। 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक अपोजिशन की तरफ से कोई नाम स्पीकर को मौजूद नहीं है। इसी तरीके से बाकी किसी मसले के ऊपर अपोजिशन की कोई राय नहीं। हम ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूचू का मुरब्बा बन गए। मेरे पंजाब के जियालों के लिए पैगाम है कि जाग मेरे जियालों जाग, पाकिस्तान जल रहा है। अगर कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो। जिन्होंने आमिर जिया का मुकाबला किया वो खान को भगाएंगे, जिन्होंने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया वो सेलेक्टेड को भगाएंगे, जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया वो अगले इलेक्शन में पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इमरान खान पाकिस्तान का इतिहास बदलने की कोशिश में है। इसी साल के जुलाई महीने में पीओके में भी फर्जी इलेक्शन कराए गए, वहां जमकर धांधली हुई थी। शायद इमरान पीओके का फॉर्मूला पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं। उससे पहले जनता का ध्यान भटकाने वाला प्रोपेगंडा चल रहा है। इमरान खान साहब ने अपने मिनिस्टर्स को भी ये कहा है कि फोकस ऑन डेवलपमेंट, तो एक तो ये शो करो कि डेवलपमेंट है। पंजाब में बुज़दार साहब को भी यही जी करें। अब ये सप्लीमेंट निकला है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सप्लीमेंट, फिर ये फेडरल गवर्नमेंट 3 years ऑफ इमरान खान। अरे भाई, यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट बट डिजास्टर। और आप अपनी कारकर्दगी दिखाना चाह रहे हैं, जिसका मतलब पूरा एक प्रोपेगेंडा एफर्ट हो रहा है। तो ये व्हाई इन द थर्ड ईयर? अगर ऐसी काम करना ही था तो 5वें साल जाके करते, ताकि लोगों के जहन में याद रहता। और अभी आपके पास 2 साल है, तो अगर 2 साल है तो कुछ कारकर्दगी करके भी दिखाते, ये जो सारी महंगाई है ये है वो, शायद आप इस पे काबू कर लेते। इमरान ने फौज की हर बात मानी और पाकिस्तान की भलाई का कोई काम नहीं किया। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन फौज को नया खिलाड़ी मिल जाएगा और उन्हें मैदान के बाहर बिठा दिया जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।